नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूँ हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी बीमारी का इलाज लेकर ही हम आते हैं हमेशा हेल्थ फर्स्ट शो। दर्शकों, दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है जहां मोटे लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अब जब सर्दी का मौसम आ गया है तो खाने पीने में काफ़ी लापरवाही बरतते हैं लोग, ऑयली फूड खाते हैं, वॉक पर नहीं जाते और नतीजा आप सबको पता है, वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन इन सर्दियों में अपना मोटापा कैसे कंट्रोल करें, आप इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। नीलोफर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो अगर आपके मन में भी कोई भी समस्या है मोटापे से संबंधित, जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नीलोफर जी, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, लोग खाना पीना काफ़ी उनका अस्त व्यस्त हो जाता है, तो किस तरह मोटापे को कंट्रोल में कर सकते हैं? इस सीज़न में मोटापा काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि हम हमारा जो नॉर्मल डाइट है वो लेते हैं, उसके साथ हमारे काफ़ी सारे स्वीट्स चलते हैं। क्योंकि राजस्थान में सर्दी बहुत पड़ती है तो कहा जाता है कि आप जितना हैवी खाएंगे तो आप इंटरनल काफ़ी हॉट रहेंगे, जिससे आपको सर्दी ना लगे, जिसमें तिल, गुड़, इससे बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। तिल और गुड़ से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, जो हमें बॉडी को अंदर से गर्म रखती हैं। लेकिन वही चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती हैं जब हम पूरा खाना खाने के बाद 2 तिल के या 3 तिल के लड्डू खा लेते हैं। 3 तिल के लड्डू में तकरीबन 1300 कैलोरीज होती है और एक आदमी को तकरीबन हम खाने में भी 1300 ले रहे हैं, तो हमारी टोटल कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 2600-2800 कैलोरीज हो जाती है, जो जस्ट हमारी डाइट का डबल हो जाता है। अगर हम डेली इस तरह कर रहे हैं तो हमारी डाइट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही है, जिससे कि हमारा वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। जी नीलोफर जी, अक्सर देखा गया है कि सर्दियों में लोग लेट उठते हैं तो वॉक जो होती है उनकी अवॉइड हो जाती है, वॉक कर नहीं पाते हैं वो, तो जो लोग वॉक नहीं करते हैं, वॉक पर जाते नहीं हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरह मेंटेन कर सकते हैं अपनी डाइट? जो लोग वॉक पे नहीं जाते हैं या अवॉइड कर रहे हैं और वेट उनका लगातार बढ़ रहा है, उनके लिए सलाह है कि वो घर पे छोटे वाले पत्थर, जिसे हम रोड़ी कहते हैं, जिससे हमारा डामर मिला के सड़क बनती है, उसे हम घर पे रखेंगे किसी भी परात में और उस पे 10 मिनट के लिए हम चलेंगे। वो सारे आपके प्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे पत्थर और आपका जो मोटापा बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करेंगे। अगर नीलोफर जी, मैं बात करूं आपसे मोटापे को कंट्रोल करने की, तो खाने पीने में किस तरह की डाइट होनी चाहिए जिससे कि बहुत आसानी से मोटापा कंट्रोल किया जा सके? आसानी से तो मोटापा कंट्रोल किया नहीं जाता है, सिर्फ बढ़ाया ही जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए और ये सभी को पता है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो खाने की प्लेट है उसके अंदर एक सब्जी होनी चाहिए जो हमारा फाइबर है, कुक्ड फाइबर, उसके साथ एक प्रोटीन होना चाहिए जो पनीर या दाल है। पनीर या दाल में से एक ही चीज़ हमारी थाली में होनी चाहिए, अगर पनीर है तो फिर दाल नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हमें एक कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो हमारी एक रोटी पूरा करती है। उसके अलावा हमारे रॉ फाइबर हैं जो कि हमारा सैलड है, थोड़ा सा सैलड होना चाहिए। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो हम अपनी डाइट को कंट्रोल करके चलेंगे, हमें अपना पूरा जितना नरिशमेंट मिलना चाहिए वो इस डाइट से मिल जाएगा और वेट जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो अगर आप भी मोटापे से काफ़ी परेशान हैं तो आप भी उसका समाधान ले सकते हैं। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान, उनसे। नीलोफर जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, एक्सरसाइज जो होती हैं कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो लोग घर पर कर सकते हैं आसानी से? घर पे एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको राय दूंगी, अगर आप फिट हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, तो आप घर पे जॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर घुटने में दर्द है, कमर में आपके दर्द है, तो आप जॉगिंग नहीं करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने एक्सपर्ट से मिलें। एक बार के लिए आपको रोकना चाहूंगा, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामेश्वर जी हैं रावत भाटा से। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए नीलोफर जी से। हाँ मैडम जी, अपने सवाल पूछिए रामेश्वर जी। बाकी कुछ नहीं बताया, केवल जी आपकी उम्र क्या है? हेलो हेलो, हाँ रामेश्वर जी, आपकी उम्र क्या है? 28 साल। ओके, और आपका वेट? 70 किलो। आपका ये वेट कब से इतना ही है?
हमारा ये कम से कम 2 साल से इतना ही है। 2 साल से आपका वेट इतना ही है। आप मुझे एक बार बताएंगे आप दिन में कितनी बार खाते हैं? सुबह और शाम मैडम। खाना कितनी बार खाते हैं आप? खाना 2 टाइम खाते हैं मैडम, ड्यूटी शिफ्ट में चलती है ना जी। ओके, आप नाश्ता नहीं लेते हैं या नाश्ता करते हैं? नाश्ता भी लेते हैं मैडम। तो तीन मील लेते हैं आप दिन में? तो आपको मील अपने 3 ही रखने हैं और तीनों खाने के बाद आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी जो है बॉयल गर्म जो होता है वैसा पीना है, चाय जितना गर्म, और उसको सिप सिप करके जैसे हम चाय पीते हैं घूट घूट वैसे ही पीना है। अगर आप इस तरह से अपना शुरू करेंगे हर खाने के बाद गर्म पानी, तो 15 दिन में आपके 1.5 किलो करीब वेट में रिडक्शन आएगा। अगर ये रिडक्शन आता है तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे, और अगर रिडक्शन आपके नहीं आ रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर को चेकअप कराएंगे। रामेश्वर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। निलोफर जी, हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे जी। एक्सरसाइज के लिए हमें देखना होगा कि हम पहले फिट हों, हमारे कहीं दर्द नहीं हो, बीपी हमारा हाई या लो नहीं हो, तब तो हम घर पे नॉर्मली जॉगिंग करेंगे तो उससे हमारा वेट रिडक्शन आ जाता है। लेकिन आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है जिसमें कि हम लेट नाइट तक सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सभी के हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। ऐसे में अगर आप एक्सरसाइज बिना किसी एक्सपर्ट के शुरू कर देंगे तो गैस जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है और आपके सर में दर्द और चक्कर शुरू हो जाएंगे, जिससे घबरा के अक्सर लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं कि हमारे चक्कर शुरू हो गए थे या सर में दर्द होने लगा था। इसलिए आप एक्सपर्ट के साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। निलोफर जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन जी हैं चंडीगढ़ से। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए निलोफर जी से। पवन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है कि मेरा बेटा है 30 साल का जी, उसका हेल्थ नहीं बन रही जी। क्या बताया आपने अपना सवाल? मेरा बेटा 19 साल का है जी, उसके हेल्थ बन रही, उसका वेट नहीं बढ़ रहा। उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, आपने कोई चेकअप कराया उसका? हाँ जी, हाँ जी, कराया। TSH T3 T4 करा लिया जी? TSH T3 T4 आपने चेक करा लिया है? नहीं, वो नहीं कराया हमने। एक्चुअली ये चेकअप जी, ये चेकअप जरूरी है जिससे कि पता चले कि उसकी थायराइड ग्लैंड सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। राइट जी, राइट। तो भूख वगैरह उसको प्रॉपर लग रही है? हाँ, जब तक आप उसका ये चेकअप नहीं कराएंगे तब तक हमें कॉज का पता नहीं चलेगा कि किस कॉज से उसकी हेल्थ नहीं बन रही है। ठीक है जी, पहले चेक कराते हैं जी। निलोफर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, डेली रूटीन में उनका ज्यादा भागदौड़ का काम नहीं होता, वो ऑफिस में चेयर पे बैठे बैठे ही काम करते हैं, तो उनका पोस्चर किस तरह का होना चाहिए जिससे कि मोटापा ना बढ़े? बिल्कुल, बिकॉज एक जगह बैठे रहकर काम करने से मोटापा काफी तेजी से बढ़ता है जी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी जहाँ बैठे आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपको हर 15 मिनट में वॉक करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए जी। तो आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप वहां से उठेंगे 15 मिनट बाद, अलार्म लगाइए अपने मोबाइल में और 5 मिनट की सिर्फ वॉक करिए, उसके बाद वापस आके बैठ जाइए। अगर आप कोई फोन कॉल ले रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि फोन कॉल लें तो अपनी सीट पे से उठ जाएं और फिर बात करें। तो इस तरह से आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी, और एक गर्म पानी का जो कैटल है अपने पास रखें, बार बार सिप सिप करके आप गर्म पानी पिए, इससे जितनी भी आपके फैट डिपॉजिट हुई है वो डिसॉल्व होगी और मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो आपका काफी फास्ट हो जाएगा जी। निलोफर जी, आपसे जानना चाहूंगी एक्यूप्रेशर के थ्रू किस तरह मोटापे का इलाज किया जा सकता है? मोटापे का इलाज अगर हम एक्यूप्रेशर के थ्रू करेंगे तो पहले तो हमें कॉज देखना होगा कि किस कॉज से आपका मोटापा बढ़ रहा है, उस हिसाब से ही उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर थायराइड से बढ़ रहा है तो उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अलग हैं, अगर मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है तो उसके पॉइंट्स अलग हैं। इस तरह से अलग अलग कॉज के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जी। तो मैं आपसे निलोफर जी जानना चाहूंगा कि अगर थायराइड से किसी का मोटापा बढ़ रहा है तो किस तरह एक्यूप्रेशर पॉइंट्स काम में लेकर अपने मोटापे को रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपका थायराइड से बढ़ रहा है तो आपको हाइपोथायराइड है, यानी आपका TSH T3 और T4 जो है तीनों ही जो है बढ़े हुए आए हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप अपने प्रेशर पॉइंट जो है ये अंगूठा और उंगली के बीच में इस जगह पे इसे प्रेस करेंगे। इस पॉइंट को आप डिटेक्ट इस तरह करेंगे कि जब आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको बहुत तेज पेन होगा, जो चुभने वाला पेन होगा, नॉर्मल पेन से अलग होगा। उसे आप धीरे 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 प्रेस करिए, फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, बस इस तरह से प्रेस करना है। ये पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपके थायराइड है तो, क्योंकि यहाँ आपके बहुत तेज दर्द होगा। तो थायराइड पेशेंट सिर्फ इस तरह से प्रेस करके अपना थायराइड जो है वो बैलेंस्ड रख सकते हैं जी। तो निलोफर जी, जो और मरीज होते हैं, जो बीपी के मरीज हैं, जिन्हें की
शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी सेम मेथड एप्लीकेबल होगा या फिर कुछ और मेथड? नहीं, उनके लिए अलग होगा। कई बार हाई बीपी की वजह से भी हमारा जो मोटापा बढ़ जाता है, हाई बीपी के लिए हमें एक्सपर्ट के पास ही जाना होगा। पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, हाई बीपी के लिए आपको यहाँ प्रेस करना होगा, लेकिन आप एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के पास एक बार जाएं, उनसे कंसल्ट करें, और अगर वो आपको राय देते हैं कि आप घर पे कर सकते हैं तो आप ये पॉइंट प्रेस करेंगे। जी नीलोफर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर जो है वो मोटापा कम करने में कितना सहायक है और उसके साथ ही कितना समय लेता है मोटापा कम करने में? एक्यूप्रेशर की अगर हम बात करें तो एक वीक में 2.5 kg का रिडक्शन एक्यूप्रेशर से आता है। 2.5 kg अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है, 2.5 kg वेट एक हफ्ते में हम कम कर सकते हैं एक्यूप्रेशर की मदद से। जी अगर मैं आपको आपसे पूछूं नीलोफर जी, किस तरह का आपका रूटीन होना चाहिए खाने का? बिकॉज बहुत से लोग एक बार में ही बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं। बिल्कुल, तो वो कितना नुकसानदेह होता है लोगों के लिए, वो जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, अगर आपकी वॉशिंग मशीन है, आपने उसमें एक साथ ही सारे कपड़े और पानी और वॉशिंग पाउडर डाल दिया तो वो लोड नहीं ले पाएगी और चलेगी नहीं। सेम यही हमारे पेट का हाल होता है, अगर हमने एक साथ उसमें काफी सारा खाना ले लिया और पानी भी बहुत सारा पी लिया है तो वो जो है उसकी रेट मेटाबॉलिज्म रेट बहुत स्लो हो जाती है और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। तो एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी के हिसाब से हमें सिर्फ 3 meals लेने हैं, एक हमारा ब्रेकफास्ट है, एक लंच और डिनर। इन सब में गैप कम से कम 5 घंटे का रखना है। जी अगर मैं इन्हें, ये जो आपने 3 meals बताए नीलोफर जी, इन्हें अगर मैं सेग्रीगेट करना चाहूँ एनर्जी के हिसाब से तो कितनी एनर्जी लेनी चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए लोगों को? कैलोरीज डिपेंड करती है आपके वर्क पे, आपकी एज पे, आप क्या वर्क कर रहे हैं और आपकी एज क्या है, आपका मैन है या वुमेन है, इस पे आपकी डिपेंड करती है। लेकिन एक हम जनरल बात करें तो अगर हम सुबह नाश्ते में ओट्स लें, ओट्स दूध और एक फ्रूट, तो वो एक नॉर्मल इंसान के लिए इनफ है। उसके 5 घंटे बाद हम लेंगे अपना लंच, जिसमें जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि एक आपकी वेजिटेबल है, एक दाल है, सैलड है और रोटी है, ये चीज़ें हम लेंगे और फिर 5 घंटे बाद सेम चीज़ रिपीट करेंगे। बहुत बार देखा गया है कि जिन लोगों का वजन लगातार बढ़ रहा होता है वो ये कहकर अवॉइड करने लगते हैं कि हम तो भाई खाते पीते घर के हैं। जी बिल्कुल, तो कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है उनके लिए मोटापे को अवॉइड करना, और या फिर कितनी और बीमारियां ऐसी है जो उसका कॉज हो सकती है, वो जानना चाहूंगा। अगर मोटापा आपका बढ़ रहा है और आप बिल्कुल केयरलेस हैं तो आप समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे खुद बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, बीमारियों को दावत दे रहे हैं। अगर आपका मोटापा बढ़ेगा तो बीपी आपका हाई होगा ही होगा, उसके साथ आपको थायराइड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपके इंसुलिन का सिक्रेशन अगर थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हुआ तो आपको डायबिटीज भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिली हुई हैं, इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपका मोटापा थोड़ा भी बढ़ रहा है तो उसे अवॉइड ना करें, उसको रिडक्शन के लिए सोचें। अगर आपने रिडक्शन नहीं लिया तो आगे चल के आप बीमारियों की तरफ ही जाएंगे। अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश जी हैं करौली से। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछे नीलोफर जी से। माफ कीजिएगा, कुरेशी जी हैं। कुरेशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। कुरेशी जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। चलिए अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।